हेलो स्टूडेंट्स, टुडेस टॉपिक इज क्यू रूट्स ऑफ ए यूनिट। क्यू रूट्स ऑफ यूनिट क्या है? इट मींस जैसे हम ले रहे हैं 1 raised to power 1/3 विच इज कॉल्ड ए क्यूब रूट ऑफ ए यूनिट। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, तो क्यू रूट ऑफ यूनिट हमें निकालनी है। क्या क्या है हमारे पास? जैसे मैं लेट करता हूं जी इक्वल्स टू 1 raised to power 1/3 जहां क्यूब रूट ऑफ 3 भी बन ले सकते हो। ओके, तो क्या करेंगे, इसको निकालेंगे क्यूबिंग क्यूबिंग बोथ साइड कॉमा वी गेट। ओके, जब क्यूबिंग करेंगे क्या हो जाएगा, जी क्यूब, और ये क्या बन जाएगा 1। ऐसे 1 की पावर 1/3 रेस्ट टू पावर 3 करो, ये 3 और 3 कट जाए, क्या बचेगा 1। राइट, ये क्या आ गया, विच इंप्लाइज जी क्यूब माइनस 1 = 0। ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसकी इक्वल आता है, ए क्यूब माइनस बी क्या आता है, विच इम्प्लाइज ए माइनस 1 into a square plus b square b plus b square। राइट, इट मींस ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल आता है, ये आएगा हमारे पास ए क्यूब ए माइनस बी इंटो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे जी, और बी क्या है यहाँ पे 1, मीन्स क्या आ गया z माइनस 1 ए स्क्वायर। राइट, जी स्क्वायर प्लस ए बी जी इंटू 1 जी प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। क्लियर, अब यहां पे क्या करेंगे हम, आइदर z माइनस 1 इक्वल टू क्या जाएगा 0 और z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर, यहां पे पीछे इंप्लाइज z इक्वल टू 1, और यहां पे क्या करेंगे हम, हेयर ए क्या है 1, बी क्या है 1 और सी क्या है 1। ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक के रूट्स किस तरह से निकालते हैं हम, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, ये देयरफॉर जी को जो आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। तो यहां पे लिखेंगे हम इसको, ये क्या आएगा हमारे पास, विच इंप्लाइज जी इक्वल्स टू बी, बी क्या है माइनस जो है 1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए क्या है 1 और सी क्या है 1 अपॉन 2 into 1। क्लियर, जे मेरे पास आया, ठीक है। तो यहां पे एपीज इंप्लाइज जी इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 अपॉन 2, तो बीच इंप्लाइज जी क्या आएगा माइनस 1 प्लस माइनस जो रूट ऑफ माइनस 3, और यू नो जो रूट के अंदर जो नेगेटिव टर्म आए तो उस नंबर को कौन सा, ये नंबर हमारे पास कौन सा बन गया, इमेजिनरी नंबर, और ये किसके इक्वल आएगा रूट 3 आयोटा, विच इंप्लाइज जी इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। इसका मतलब हमारे पास जी की वैल्यू क्या बन गई, एक 1 बनी, एक माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, और तीसरी क्या बनी माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। क्लियर, तो यहां पे लिखेंगे हम दस द क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी आर क्या है, एक 1 है माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 एंड माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ओके, ये हमारे पास है, इस तरह से हम रूट से निकाल, ये 3 हमारे पास क्या मिल गई, रूट मिल गई। अब एक रिमार्क बताते हैं, क्या दिया हमें, इफ वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी इज डिनोटेड बाय ए ग्रीक लेटर दैट इज डब्ल्यू, डब्ल्यू की तरह है, बट इसको क्या कहते हैं हम, रीड एज ओमेगा, क्या कहते हैं इसको हम, ओमेगा, ठीक है। मतलब एक जो क्यूब रूट है उसको हम किस रूट करते हैं, हम
ओमेगा से एंड द कॉमा देन द अदर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी इज ओमेगा स्क्वायर। ओके क्या है ओमेगा स्क्वायर मींस अगर एक एक क्या हमारे पास जैसे एक तो मतलब वन है पता है अगर एक को हम डिनोट क्या करते हैं हम ग्रीक लेटर को लेते हैं हम ओमेगा इसको ओमेगा से तो दूसरा क्या होगा ओमेगा स्क्वायर जहां इसको ओमेगा ले लो तो ये ओमेगा स्क्वायर मतलब एक ओमेगा और दूसरा क्या होगा ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है इनको ड्राइव करते हैं कैसे हैं प्रॉपर्टीज में हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी प्रॉपर्टीज दी हुई है प्रॉपर्टीज क्या है जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है दी है कहता है वन ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज रियल जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास क्या है ए क्या है उसमें से रियल है एंड द अदर टू आर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर जो बाकी दो हैं वो क्या है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नंबर है जैसे कि देखिएगा ना वन हमारे पास आया माइनस वन माइनस प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू और क्या आएगा माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू ये क्या हमारे पास रियल है और ये क्या है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जैसे जहां पे देखिए ये है इसका कंजुगेट क्या है कंजुगेट में क्या होता है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज होता है यहाँ पे क्या हमारे पास प्लस है तो यहाँ पे क्या गया माइनस इसलिए ये क्या है दो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हमारे पास नंबर है। ओके नो जो सेकेंड दी हुई है सेकेंड क्या दी है हमें ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर जो भी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट दिए हुए हमें उनका जो तीनों तीनों है उनमें से एक का स्क्वायर कर दो दूसरे के इक्वल आ जाता है। क्लियर जैसे मैं लेता हूं यहां पे इसका इसका हम प्रूफ करते हैं यहां पे कहता है ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और क्या क्या ले रहे हैं हम जैसे मैं ले रहा हूं यहां पे माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू एंड माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू कि मैंने अभी नोट में भी बताया अगर एक ओमेगा दूसरा क्या ओमेगा स्क्वायर अभी चेक कर लेते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। मैं क्या लेता हूं नौ माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू का स्क्वायर ले रहा हूं तो क्या आता है हमारे पास ये आएगा ए माइनस बी रूट थ्री आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन टू मीन्स क्या आएगा ये हमारे पास देखो ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस ए का स्क्वायर या माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर या माइनस बी प्लस ए का होल स्क्वायर किसके इक्वल आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी याद रखना ये फॉर्मूला है यहाँ पे माइनस वन प्लस रूट थ्री ए होता है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास ये आएगा माइनस मीन्स क्या आएगा वन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स क्या आएगा रूट थ्री अयोटा का स्क्वायर माइनस टू ए बी टू इंटू वन इंटू रूट थ्री अयोटा अपॉन फोर इसका भी स्क्वायर है ना तो ये क्या आ जाएगा वन रूट थ्री का स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएगा थ्री आएगा और ये आएगा अयोटा स्क्वायर। क्लियर और यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास माइनस टू रूट थ्री अयोटा अपॉन फोर ये आ गया वन माइनस थ्री अयोटा स्क्वायर टू माइनस वन तो ये आया थ्री माइनस टू रूट थ्री अयोटा अपॉन फोर। ओके तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस टू रूट थ्री अयोटा अपॉन फोर इट मीन्स टू का आने वाला माइनस वन माइनस रूट थ्री अयोटा अपॉन फोर ये कटा क्या है हमारे पास माइनस वन माइनस रूट थ्री अयोटा अपॉन फोर फ्रेंड्स बन गया ना हमने जे लिया देखिएगा हमने लिया जे और रिजल्ट हमारे पास जे आया इसका मतलब इसका स्क्वायर करें तो क्या बना दूसरा बन रहा है कह रहा ना ये कहता है ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। ओके और हम जो भी ले रहे हैं उसका स्क्वायर करें तो दूसरे का मिल जाएगा हमारे पास ये हमारे पास आ रहा है। अब क्या करते हैं हम दूसरी कंडीशन लेते हैं कैसे मैं ले रहा हूं माइनस वाले में क्या करेंगे मैं इसको इरेज करता हूं मैं यहां पे लूंगा एंड माइनस वन माइनस रूट थ्री अयोटा अपॉन टू का
स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बी माइनस बी प्लस ए का होल स्क्वायर। सभी किसके बुलाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये भी किसके बुलाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट प्लस टू ए बी। इट मीन्स आएगा टू रूट थ्री आयोटा अपॉन फोर, मीन्स वन प्लस थ्री आयोटा स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री आयोटा अपॉन फोर। क्लियर? तो ये किसके कुल आ जाएगा, वन माइनस थ्री प्लस थ्री टू रूट थ्री आयोटा अपॉन फोर। क्लियर? ये आएगा माइनस टू प्लस ओके टू रूट थ्री आयोटा अपॉन फोर। क्लियर? ये आया टू, यहां से कॉमन निकाला जाएगा, माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन फोर। ये कट जाएगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। देखो अब हमने जे लिया तो हमें जे वाला मिल गया। इट मीन्स क्या हुआ, अगर हम ओमेगा लेते हैं, अगर ओमेगा स्क्वायर करें तो ओमेगा के बराबर आता है, जे इसके को आता है राइट, इसकी वैल्यू जे बन जाती है। तो अगर हम ओमेगा लेते तो ओमेगा स्क्वायर के को आ जाता है। क्लियर? जे हमारा बस बना। जी आगे प्रॉपर्टी सेकंड का प्रूफ। क्लियर? अब करेंगे हम उसने नेक्स्ट क्या दिया है, थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में कहा हुआ है, कहता है द सम ऑफ द थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज जीरो। जो तीन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है उनका सम क्या हमारे पास आ रहा है, जीरो होगा। चेक करते हैं आता है कि नहीं आता है। यहां पे लेंगे हम प्रॉपर्टी थर्ड का प्रूफ। ओके सम ऑफ थ्री कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स, सम ऑफ थ्री कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज क्या आएगा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर। मैं यही लिया है ना, एक वन है एक ओमेगा स्क्वायर। इट मीन्स वन ओमेगा क्या हमारे पास, हम अगर ओमेगा को क्या लेते हैं, माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, तो ओमेगा स्क्वायर को क्या लेना पड़ेगा, माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। अब जिस मर्जी को लो, अगर आप इसको लेते हो इसको ओमेगा लेते हो ये दूसरा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। और आप इसको ओमेगा स्क्वायर लेते हो या इसको ओमेगा लेते हो तो ये ओमेगा स्क्वायर लेते हैं। क्लियर? कोई भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि कहता है कि इनका जो सम है जो जीरो के इक्वल आता है, चेक करते हैं आता है कि नहीं आता है। ओमेगा क्या लिया हमने, माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। ओके प्लस ये क्या आएगा, माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। क्लियर? तो ये क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम आई टू, टू के मतलब यहाँ पर टू वन जब टू, तो ये आया माइनस इंटू प्लस, माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा। ओके जे रूट थ्री आयोटा रूट थ्री आयोटा कट, तो क्या बचिए हमारे पास, टू माइनस वन कितना था, माइनस टू अपॉन टू। इट मीन्स जीरो बाई टू, इट मीन्स जीरो। इसका मतलब हमारे पास जो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जी किसके बुलाते हैं, जीरो के बुलाते। क्लियर? अब यहाँ से कुछ नोट बनते हैं हमारे पास, जैसे क्या रिमार्क है, अगर हम लें वन प्लस जे इसकी वैल्यू आ गई, अब मैं ले लू वन प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? अगर मैं ले लू वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जाएगा माइनस ओमेगा के, अगर ले लू मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बुलाएगा, माइनस वन। क्लियर? जी हमारे पास कुछ वैल्यूज मिली। ओके ये फॉर्मूले है। क्लियर? जी हमारे पास क्या मिल गया, जे आ गया हमारा सम ऑफ इज क्यूब्स ऑफ यूनिटी इज जीरो। ठीक है? नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी क्या दिया, कहता है प्रोडक्ट ऑफ थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज वन। जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, वन आएगा हमारे पास। तो क्या लिखेंगे हम, प्रॉपर्टी फोर्थ का सॉल्यूशन बताते हैं हम आपको। क्या दिया हमें, प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज क्या आएगा, वन इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? वन
ओमेगा क्या है, वन प्लस माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, और जो है माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। ये वन इंटू ओमेगा फिर क्या बन जाएगा, ओमेगा क्यूब। तो ये क्या आएगा, टू टू या फोर, और ये क्या आ जाएगा, वन के मुठे किसा, तो यही नाम रहेगी। लेकिन अब इसका क्या करेगा, माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा, माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा, यू नो ए माइनस बी ए प्लस बी किसके बुलाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स क्या आएगा, ए क्या है माइनस वन मीन्स माइनस वन का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस क्या आ जाएगा, रूट थ्री आयोटा का स्क्वायर अपॉन फोर। क्लियर, तो ये क्या आएगा, माइनस वन का स्क्वायर वन, और क्या आएगा रूट थ्री का स्क्वायर कितना आ जाएगा थ्री, और ये क्या आएगा आयोटा स्क्वायर अपॉन फोर, इट मीन्स आएगा वन जाएगा माइनस थ्री अपॉन फोर, ठीक है ना, आयोटा स्क्वायर माइनस वन, तो जो आएगा वन प्लस थ्री अपॉन फोर, इट मीन्स फोर अपॉन फोर, इट मीन्स वन, मीन्स जो ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है, ठीक है, ओमेगा क्यूब की वन है। तो इस तरह से ओमेगा की कुछ भी पावर हो बड़ी इजिली हम निकाल सकते हैं। क्लियर, तो नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। ओके, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।